हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि हम जो है टेंथ क्लास की जो एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है उसकी सीरीज लेकर आपके सामने जो है प्रस्तुत हैं। उसका जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर वास्तविक संख्या, उस पर हमारी जो वीडियो जो है लगातार आपके सामने आ रही है। और उसी सीरीज में जो पांचवी वीडियो जो है जो आपके सामने हैं, और अगर किसी स्टूडेंट ने अगर पिछली जो है वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। और ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस जो आज वास्तविक संख्याओं के अंदर या रियल नंबर्स के अंदर हम जिनके बारे में बात करेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब शांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब अशांत दशमलव। जब आप सब नाइन्थ क्लास में थे आप सब ने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग शांत या अशांत डिवीजन मेथड से मतलब भाग करके आपने सीखा था। अब हमारे पास टेंथ क्लास के अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रूव करने वाला है, लेकिन विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब हमें डिवाइड नहीं करना है। बगैर डिवाइड करके हमें ये बताना है कि दी हुई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए छोटी सी चीज, सबसे पहले अगर कोई भी हमारे पास जो रेशनल नंबर दी हुई है, सबसे पहले उसको p by q की फॉर्म में कंसीडर करना। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा ये जो डिनोमिनेटर है, मतलब जिसको हर के नाम से जानते हैं डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर के हमें प्राइम फैक्टर्स करने, मतलब गुणनखंड करने। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आते हैं, ध्यान रखने वाली चीज है 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में आते हैं, तो वो नंबर अगर आते हैं तो वो हमारी टर्मिनेटिंग होगी, मतलब शांत होगी, और अगर नहीं आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बताया है कि जो उसका डिनोमिनेटर है हर जो है उसके फैक्टर्स करने हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, और उनको ये देखना है कि अगर उनके फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहे हैं तब तो वो टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है, और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको हम किस तरह निकाला जाएगा, किस तरह उसको यूज़ करना है, उससे पहले आप इसको एक बार जो है पढ़ लें या नोट डाउन कर लें। जिस स्टूडेंट को इसकी जो है स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकता है, ठीक है। देखें आगे, देखें कि अब हम इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे लेके चले। ध्यान देखें क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चंस की बात हो रही है। अगर हम इस पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं 13 upon 3125, तो जो 3125 है ये 3125 सिर्फ हमें डिनोमिनेटर से मतलब है। अब हम इस 3.25 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं, अगर हमने फैक्टर करा 5 6 5 2 5 5 फिर 5 से 5 1 5 2 5 5 फिर 5 से 5 2 5 5 फिर 5 से 5 5 फिर 5। तो इसके जो फैक्टर्स बने 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इसका मतलब 5 की पावर 5।
और हमें ये पता है कि 5 के साथ साथ 2 भी होना चाहिए, लेकिन अब इसमें 2 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 0 और लिख लेंगे। और वो इसलिए लिख लेंगे क्योंकि 2 की पावर 0 मींस 1, और 1 को अगर किसी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो वही फॉर्म पे आ जाता, मतलब वही नंबर बनता। अब हमने देखा जब हमने इसके फैक्टर्स करे, तो इसके फैक्टर्स जब हमने करे तो इसके फैक्टर्स में 2 भी है और 5 भी है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस डिनोमिनेटर हैविंग प्राइम फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। हिंदी में क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, सो मतलब अतः 13/3125 बराबर 7.2, मतलब टर्मिनेटिंग। तो अगर फिर कहा जा रहा है कि अगर किसी को हमें टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स प्रूव करना है तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स करने हैं। अगर उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आएगा तो वो हमारा टर्मिनेटिंग है, और अगर नहीं आता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखें ध्यान से एक बार और, 3125 के फैक्टर्स करें, फैक्टर्स करने के बाद 2 और 5 आया, लेकिन 2 था नहीं, तो 2 हमने खुद बनाया जिसका मतलब था 2 की पावर 0। तो हमने देखा इसमें 2 और 5 दोनों है, इसलिए वो हमारा 7.2 मतलब टर्मिनेटिंग आ गया। अगर ऐसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन जो था, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है 7/8, हमने 8 के फैक्टर्स करें, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन गया 2 की पावर 3, साथ में लिख लिया 5 की पावर 0। तो इसके अंदर 2 भी है और 5 भी है, इसका मतलब फिर ये लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस डिनोमिनेटर हैविंग प्राइम फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। हिंदी में क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है, सो अतः जो ये नंबर जो है 7/8 बराबर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं, इसका मतलब इसका इतना हिस्सा हमें नहीं करना है क्योंकि इसके फैक्टर्स खुद हमें दे रखे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके फैक्टर्स में 2 भी है और 5 भी है, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखना है। सिंस डिनोमिनेटर हैविंग प्राइम फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू में 5 की पावर m के रूप में है, सो या अतः 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 बराबर टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब 7.2। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन की अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो हमने ये देखा है कि इसमें 2 भी है और 5 भी है और साथ में क्या है 7, लेकिन ये बोला है कि प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। अगर 2 और 5 की फॉर्म की बात अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 129, 2 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की पावर 3। तो हमने देखा इसमें 2 भी है और 5 भी है, एक्स्ट्रा 7 भी है, तो इसका मतलब सिंस डिनोमिनेटर नॉट हैविंग प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 भी है और 5 भी है, क्या नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा जो है वो 7 है और होना चाहिए सिर्फ 2 और 5।
तो इसीलिए जो हमारे पास नंबर दे रखा है 129 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की, ये आ गया हमारे पास आसान, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी को भी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग प्रूव करना है या लेके चलना है उसको, तो सबसे पहले उसका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर उसकी जो पावर जो है, मतलब उसका जो प्राइम फैक्टर जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होनी चाहिए। ऐसे ही अगर कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर, ये प्राइम फैक्टर्स या हमारे पास ये जो है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं, आप इनका, आपको क्वेश्चन जो है होमवर्क के अंदर है और वो हमारे पास है 15 अपॉन 1500। दूसरा क्वेश्चन 7 अपॉन 343, उसके बाद 349 अपॉन 1000। आप इन सब का आंसर आपको आप जो है हमारे जो है कमेंट बॉक्स में दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और शेयर इसलिए क्योंकि ये हमारा जो मकसद हर उस स्टूडेंट तक पहुंचना है जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो दिया गया बेल आइकन है आप उसको क्लिक करें ताकि आपको समय समय पर हमारे वीडियो की जानकारी आपको हासिल हो सके। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।